गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थिंग्स नोट टू पैक फॉर न्यूजीलैंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले अगर हम बैगेजेस की बात करें, सो वो आपके पास एक होता है आपका कैबिन बैग, एक होता है आपका चेक इन बैग। सो ये दो होते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने साथ लैपटॉप लेकर आ रहे हो तो आपके पास अपने हैंड बैग या कैबिन बैग के साथ एक आपका लैपटॉप बैग भी होगा। सो दो आपके ये बैग होंगे, एक आपका चेक इन बैग होगा। सो अगर हम बात करें हैंड बैग की, सो हैंड बैग का आपकी टिकट के ऊपर डिपेंड करता है और एयरलाइन पे भी डिपेंड करता है कि कितना केजी वो अलाउड करते हैं। बट नॉर्मली अगर हम बात करें तो वो 7 केजी अलाउड करते हैं। मेरी भी जो फ्लाइट थी वो एयरलाइन थी, वो थी मेरी कैथे पैसिफिक। उसके अंदर टोटल जो था वो 30 केजी अलाउड था। 7 मेरा हैंड बैग में था एंड 23 मेरा चेक इन बैग में था। सो टोटल जो है वो 7 केजी आपका हैंड बैग में अलाउड होता है। उसमें आपको जो है अपना जो मेन मेन सामान होता है, फूड आइटम जो आपको रास्ते में खाने होते हैं, या आपके कोई ऐसी मेडिसिन है वो आप प्रिस्क्रिप्शन के साथ अपने हैंडबैग में रख लें, या आपके डॉक्यूमेंट होते हैं तो थोड़ा बहुत सामान जो वो आप अपना कैबिन बैग में रख सकते हो। सो अगर हम बात करें लैपटॉप बैग की, सो लैपटॉप बैग में आप अपना लैपटॉप और आप अपना चार्जर या माउस, सो लैपटॉप का जो भी सामान है वो आप अपने लैपटॉप बैग में कैरी कर सकते हो। सो उसमें आप और कोई सामान ना डालें, बिकॉज जब आपकी सिक्योरिटी होती है तो वो वहाँ पर निकलवा लेते हैं। सो ये आपका लैपटॉप बैग में आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें चेक इन बैग की, सो चेक इन बैग का भी डिपेंड करता है कि आपकी एयरलाइन कौन सी है, या आपकी टिकट पर डिपेंड करता है कि आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हो या इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हो। बट मेरा जो था कैथे पैसिफिक वो 23 अलाउड करते हैं। 23 मेरा चेक इन में था, 7 मेरा जो है वो हैंड बैग में था। बाकी कई जो एयरलाइन होते हैं वो इससे ज़्यादा भी अलाउड करते हैं, कहीं 25-30 भी अलाउड कर देती हैं। सो ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी एयरलाइन कौन सी है। सो ये आपका चेक इन बैग था। सो आज की इस वीडियो में मैं जो भी आपको आइटम्स मैं बताऊंगी वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाव पे बताऊंगी, बिकॉज मैंने खुद भी जब मेरे हस्बैंड आए थे तो उनका एक्सपीरियंस अगर हम देखें कि क्या क्या सामान जो हम लेकर आए थे, और मैं खुद जब आई थी। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जो आइटम्स है वो बताऊंगी जो आपको अपने साथ कैरी नहीं करनी है जब आप न्यूजीलैंड आ रहे हो। सो अगर हम बात करें हैंडबैग की, सो हैंडबैग में आपको कोई भी ऐसी शार्प आइटम नहीं रखनी है। फॉर एग्जांपल सीजर हो गया, या कोई ब्लेड, या कोई भी ऐसी चीज़, या नाइफ है। कई बार होते हैं स्टूडेंट जो है वो अपना नाइफ या पीलर होता है वो अपने हैंडबैग में रख लेते हैं, और फिर जब सिक्योरिटी चेक इन होता है वहाँ पर वो निकलवा देते हैं। बिकॉज आपको अपने हैंडबैग में कोई भी ऐसा सामान नहीं रखना होता जो किसी को जो है वो नुकसान पहुँचा सकता है। सो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी आपको जो है शार्प आइटम अपने हैंडबैग में नहीं रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें सो लिक्विड की, अगर हम बात करें सो लिक्विड चाहे आप अपने चेक इन बैग में रख रहे हो या अपने हैंड बैग में, सो वो आपको 100 ml से ज़्यादा नहीं रखना है। या आपके पास वाटर बॉटल है, या आपके पास शैम्पू है, स्प्रे है, कुछ भी है, सो वो आपको 100 ml से ज़्यादा जो है वो नहीं रखना है। बिकॉज यहाँ मिलता भी है सब, सो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप 100 ml तक ले आओ, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद जो है वो बाय कर सकते हो। और वाटर की अगर बात करें, वाटर बॉटल आप रख लो, बट उसके अंदर जो है आप वाटर फिल ना करो, बिकॉज जब आपकी सिक्योरिटी हो जाती है और आप वेटिंग एरिया में वेट करते हो तो वहाँ पर भी जो है आप वाटर फिल कर सकते हो। बिकॉज कई बार होता है सिक्योरिटी चेक इन में वो आपकी बोतल ही रख लेते हैं। सो आप जो है अपनी वाटर बोतल में आप वाटर फिल ना करें, वो आप अपना सिक्योरिटी होने के बाद आप फिल कर सकते हो। और वैसे भी फ्लाइट में आपको मिलेगा ही, वो फ्री होता है वाटर आपको मिलेगा ही, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो वो आप बाद में जो है फिल कर सकते हो। आप सिक्योरिटी चेक इन के टाइम पर अपनी जो है वाटर बोतल में आप पानी ना रखो। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है स्मोकिंग लाइटर। अगर आप स्मोक करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने जो है हैंडबैग में स्मोकिंग लाइटर आप कैरी ना करें। बिकॉज जब आपकी सिक्योरिटी होती है सिक्योरिटी चेक इन में आपका जो है वो लाइटर निकलवा देंगे, बिकॉज ये अलाउड नहीं है कैरी करना हैंडबैग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आता है कि आपको हैंडबैग में जो वो क्या क्या सामान रखना चाहिए। तो आप अपना लंच रख सकते हो, लंच या डिनर जो भी आपकी जिस भी टाइमिंग पे आपकी फ्लाइट है, तो आपको खाने का जो है थोड़ा बहुत सामान आपको चाहिए होगा, तो आप अच्छे से पैक करवा के अपना जो फूड आइटम आप रख सकते हो। थोड़ा बहुत अगर आप जो है गर्ल हो, आप अपना ग्रूमिंग का थोड़ा बहुत सामान वो रख सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें आपकी जैकेट, बिकॉज यहाँ पर जब आप लैंड करते हो तो यहाँ पर यहाँ का वेदर ऐसा ही है, तो यहाँ पर ठंड होगी, तो आपको क्या अपने साथ एक जैकेट रखनी है। बाकी आप देख लेना कि आप यहाँ समर्स में आ रहे हो, विंटर्स में आ रहे हो। इसके अलावा आप अपने हैंडबैग में जो है वो डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, बिकॉज आपको जो है डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, तो आप अपने हैंडबैग में डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। सो इसके अलावा अगर हम बात करें, आप कोई भी, या आपका चेक इन बैग है या आपका हैंड बैग है, तो आप लूज जो है कोई भी होममेड फूड आप ना रखें। कोई भी आइटम, फॉर एग्जांपल आप पिकल होता है, या आपके जो हैं
पल्सिस होते हैं या घी कुछ बच्चे ले आते हैं, तो कोई भी ऐसी आप लूज आइटम ना रखें, बिकॉज सिक्योरिटी चेक इन में होता क्या है, वो लूज आइटम वो अलाउड नहीं करते हैं, बिकॉज उनके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता, वो होममेड होती हैं, कोई उनके ऊपर डिस्क्रिप्शन है कुछ नहीं लिखा होता। अगर आपका कोई पैकिंग आइटम है, आप पल्सिस अगर लेकर आते हो, वो अलाउड कर देते हैं, बट वो भी हर एयरलाइन में नहीं होता है अलाउड। सो आप जो है वो अवॉइड ही करें कि आप जो है लूज आइटम आप ना लेकर आए, बिकॉज यहाँ पर सब मिलता है, यहाँ पर इंडियन स्टोर्स हैं, आप इजिली यहाँ कहीं से भी बाय कर सकते हो, तो आप कोई भी ऐसा रिस्क ना लें, क्योंकि जब वो सिक्योरिटी चेक इन में निकलवा देते हैं तब काफी रिग्रेट होता है कि इससे अच्छा हम जो वो कैरी ना करते ये सामान। सो लूज आइटम आप कुछ भी ना लेकर आए। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है मेडिसिन की। मेडिसिन आप लेकर आ सकते हो, लेकिन करना क्या है आपको, मेडिसिन आप जितने भी लेकर आते हो आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेकर आने, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के वो आपके सिक्योरिटी चेक इन में निकलवा देते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनकी आपको रास्ते में आते टाइम नीड हो सकती है, तो वो भी आपको अपने हैंडबैग में प्रिस्क्रिप्शन के साथ रखनी है, ताकि वो जो है सिक्योरिटी चेक इन में आपके ना निकलवाएं, आपको जो है प्रिस्क्रिप्शन अपने जो है मेडिसिन के साथ, अगर आप हैंडबैग में रखते हो उनके साथ भी रखना है, अगर आप जो है चेक इन बैग में रख रहे हो उनके साथ भी आपको प्रिस्क्रिप्शन रखना है, बिकॉज जब आपका वो चेक करते हैं अगर प्रिस्क्रिप्शन ना हो तो वो आपकी जो है सारी मेडिसिन वो निकलवा देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप कोई भी मेडिसिन ना लेकर आओ। नेक्स्ट अगर हम बात करें अननेसेसरी फूड आइटम्स, सो आप जो है बहुत ज़्यादा जो है फूड आइटम अननेसेसरी आप भर भर के ना लेकर आओ, बिकॉज यहाँ मिलता सब है, बिकॉज आप थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आ सकते हो, कि आप थोड़ा जो है अगर आपको पल्सिस या लेकर आने भी, बच्चे कुछ क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैम हम पल्सिस जो है वो कैरी कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत सामान फूड आइटम जो अपने हैंडबैग में या आपको थोड़ा बहुत और सामान लेकर आना है तो वो आप लेकर आ सकते हो, बट जो है वो अच्छी तरह पैक होना चाहिए, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा अगर होता है तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है, अदरवाइज जो है सिक्योरिटी चेक इन में निकलवा देते हैं। लेकिन आप अवॉइड ही करो कि आप अननेसेसरी फूड आइटम ना अपने हैंडबैग में कैरी करो, ना आप जो है ज़्यादा पल्सिस या लूज आइटम आप कैरी ना करो, बिकॉज यह मिलता सब है, तो आप किसी भी प्रॉब्लम में ना हो सिक्योरिटी चेक इन पे, या जब वो निकलवा देते हैं तो काफी रिग्रेट होता है कि इससे अच्छा हम कैरी ना करते, तो आप वो अवॉइड करो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ पर आने के बाद आप ले सकते हो। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें शूज की, सो शूज अगर आप लेकर आ रहे हो तो आप ट्राई ये करो कि आप जो है न्यू लेकर आओ, अगर आपके पास पुराने आपके शूज़ हैं अगर आप वो लेकर आ रहे हो, चाहे वो आपके चेक इन बैग में है, वो आपके ऑलमोस्ट जो है वो स्टूडेंट चेक इन बैग में रखते हैं शूज़ वगैरह, सो आपको करना क्या है कि वो साफ़ हो, उनके अंदर मिट्टी वगैरह ना लगे हो, बिकॉज न्यूजीलैंड जो है वो इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है, अगर आपके जो है शूज़ में मिट्टी वगैरह लगी होती है या वो क्लीन नहीं होते तो वो आपके निकलवा देते हैं, तो आपको करना या तो आप जो है वो नए लेकर आओ, या आप अगर पुराने लेकर आ रहे हो तो आप उनको अच्छी तरह वॉश करके लेकर आओ, ताकि आपका जो है वो सिक्योरिटी चेक इन पे ना निकलवाएं। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडक्शन किचन आइटम्स की, तो आप अपने साथ जो है वो इंडक्शन किचन आइटम्स ना लेकर आएं, बिकॉज वो यहाँ पर इतना यूज़ में नहीं होती है, यहाँ पर जो है वो गैस अलग होती है, तो आपकी वो यूज़ में आएगी नहीं, वो आपका यूज़लेस होगा लेकर आना। सो आप इंडक्शन का कोई भी यूटेंसिल आप ना लेकर आएं, नॉर्मल आप लेकर आ सकते हो। सो उसके अलावा अगर हम बात करें जब आप यहाँ पर लैंड करोगे, तो यहाँ पर लैंड करने से पहले आपको एक फॉर्म वो देते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म, उसके अंदर आपको डिक्लेयर करना होता है कि आपके जो है बैग में क्या क्या सामान है, अगर आपके पास कोई फूड आइटम है, अगर आपके पास मेडिसिन है, फुटवेयर है, कोई प्लांट है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं आपको डिक्लेयर करनी होती है, और अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हो, और अगर सिक्योरिटी चेक इन में, बायो सिक्योरिटी यहाँ की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है न्यूजीलैंड की, और अगर आपके सामान में उनको वो आइटम मिल जाती है तो आपका वहीं पर फाइन लग जाता है, और फाइन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सो ये सही नहीं रहेगा कि आप यहाँ पर लैंड करते ही आपका जो है इतना फाइन आ जाए, बिकॉज उस टाइम पे आपके पास जो है इतने जो है पैसे होते भी नहीं है, तो आप ये ट्राई करो कि आप जो भी सामान लेकर आ रहे हो वो आप अपने डिक्लेरेशन फॉर्म को अच्छी तरह रीड करो, अगर आपको हेल्प चाहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप किसी से पूछ भी सकते हो वहाँ पर। सो आप जो है अपने डिक्लेरेशन फॉर्म को अच्छी तरह रीड करके आप सारी आइटम जो है जो भी आपके पास है वो डिक्लेयर करो, ताकि आपका जो फाइन वगैरह ना आए। उसके अलावा अगर हम बात करें चेक इन बैग की, सो चेक इन बैग में आपका आपके कपड़े हो सकते हैं, शूज़ हो सकते हैं, यूटेंसिल्स हो सकते हैं, बाकी जो भी सामान है आप थोड़ा बहुत जो है वो अपने हैंड बैग में कैरी कर सकते हो, उसके अलावा आपका जो भी सामान है वो आपका जाएगा चेक इन बैग में। लेकिन आप ऐसा ना करो कि चेक इन बैग में आपका सामान अगर नहीं आता है, आप अपने हैंड बैग में जो है वो 7 kg से ज़्यादा कर लो, या जितना अलाउड आपका 8 है 9 है, उससे अगर ज्यादा आप कर लेते हो तो आपका वो निकलवा देते हैं, बिकॉज एक
एक डिसाइडेड है कि आप इतना ही केजी अपने हैंडबैग में रखोगे। वो हैंडबैग है, हैंडबैग की एक लिमिट होती है कि उसके अंदर आप 7 to 8 या 8 to 10 केजी रखोगे। इससे ज़्यादा अगर आप रखते हो तो आपका वो सिक्योरिटी चेक इन में निकलवा देते हैं, सो वो सारा जो है रबिश में चला जाता है। इससे बेटर है कि आप पहले से ही उतना ही केजी आप कैरी करो जितना अलाउड है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा होता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपका 3 to 4 केजी इससे ज़्यादा चला जाता है तो ऑब्वियस है कि वो निकलवाएंगे, इतना ज़्यादा अलाउड होता नहीं है। सो ये कुछ ऐसी आइटम्स थी जो आपको अपने साथ कैरी नहीं करनी है जब आप न्यूजीलैंड आ रहे हो, बिकॉज अगर आप लेकर आते हो तो वो आपकी सिक्योरिटी चेक इन में निकलवा देते हैं और इससे आपका वहां पर काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब आप अपने साथ कैरी ना करो। सो आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।